राजस्थान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने बरकतुल्ला खान स्टेडियम का दौरा कर इंटरनेशनल आईपीएल मैच की संभावनाओं को तराशा। जोधपुर ने बीसीसीआई की गाइडलाइंस के अनुसार स्टेडियम को उसी के अनुरूप बनाने के लिए जेडीए द्वारा 7.5 करोड़, राजस्थान सरकार द्वारा 9 करोड़ का बजट पारित किया। स्टेडियम में बदलाव के साथ यह मैच आयोजित होगा जिसमें मीडिया कक्ष, नॉर्थ पवेलियन का निर्माण भी शामिल है। जूम है ना यार, सर सर आप थोड़े अब
ये नाले अपन ढक देना इस साइड से और ये इतना सा इधर और इतना सा इधर, ज्यादा नहीं, ये बाकी की ड्रेन ऐसे ये नीचे ज्यादा ज्यादा ड्रेनेज के ऊपर दे देते नीचे और ऊपर ये उधर मतलब ये अच्छा रहा है। जैसा आप जानते हैं हमारी शुरू से कोशिश रही, पिछली कांग्रेस सरकार थी जब 2008 से 2013, तब भी मानस था कि जोधपुर में क्रिकेट गतिविधियां बढ़े, कोई मैच यहां पे आ सके। और इस बार भी कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में और यही मंशा है किस तरीके से जोधपुर में, क्योंकि बहुत लंबे समय से पूरे जोधपुर संभाग के जनता की, युवाओं की, सभी जन की इच्छा रही है कि जोधपुर संभाग को किस तरीके से क्रिकेट मानचित्र में उभारा जाए, किस तरीके से यहाँ पे आगे कोई मैचेस आ सके। हम सब की मंशा यही है कि हम कम से कम यहाँ पे क्रिकेट गतिविधियों को आगे बढ़ाएं। देखिए, बदलाव जो ICC और BCCI के नॉर्म्स हैं, जोधपुर में क्रिकेट तभी आ सकता है जब ये नॉर्म्स को यहाँ का JDA जिसके अधीन ये स्टेडियम आता है, ये स्टेडियम उस अनुरूप बन सके, ताकि जो नॉर्म्स पूरे करेगा ICCI और BCCI के, तभी उन नॉर्म्स के अनुरूप ही यहाँ पे मैच अलॉट होने की कंडीशन है। हमने पहले भी जब कोविड से पहले यहाँ पे सबके साथ दौरा किया था, तब भी हमने JDA को और जिला प्रशासन को कहा था कि जो अनुरूप मापदंड है हम इसको पूरा कर सकें, चाहे वो पवेलियंस की बात हो, चाहे प्रेस और मीडिया के बॉक्सेस की बात हो, हम लोग एम्पायर, अब सारे मापदंड जब जोधपुर में सन 2000-2001 में मैचेस हुए हैं इंटरनेशनल, उसके बाद इन 20 सालों में सारे मापदंडों में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है और उन्हीं के अनुरूप हम चाहते हैं कि ये बदलाव अब अप्रूव हो BCCI से। 6 महीने की डेडलाइन है, हम लोग चाहते हैं कि उस अनुरूप ये स्टेडियम तैयार हो, ताकि हम BCCI के पदाधिकारियों को, उनकी टेक्निकल टीम को यहाँ ला सकें, उनको दिखा सकें जोधपुर का स्टेडियम रेनोवेशन के साथ, तभी यहाँ पे अप्रूवल मिलेगा। 2019 में राजीव शुक्ला जी जब जोधपुर आए थे तब बोला था कि राजस्थान का जोधपुर जो है फिर से होम ग्राउंड बनेगा, पर अभी तक कोई कायस नहीं मिले हैं और सब IPL 2021 का जो आने वाला है उसको लेकर भी इस बार जोधपुर वंचित रहेगा IPL से, सर उसको लेकर क्या कहना है, क्योंकि सर 10 महीने का एक टाइम पीरियड था अपने पास में कोरोना काल को लेकर, उससे पहले उसमें बहुत से चेंजेस हो सकते थे, क्या कहीं ना कहीं देरी नहीं हो सकती? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2019 अक्टूबर में मैंने RC अध्यक्ष का चुनाव जीता और पदभार ग्रहण किया, तो 2019 का जो शेड्यूल जा चुका था IPL का, उसके बाद 2020 4 महीने के अंदर कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली, प्रदेश में आई, तो पूरे विश्व में ही चाहे बड़े बड़े इवेंट्स थे स्पोर्ट्स के, उन पर रोक लगा दी गई, साथ ही भारत में भी आपने देखा होगा 2020 का IPL अप्रैल मई में हो ही नहीं पाया। तो RCA में हमारी कार्यकारिणी ने जब से पदभार ग्रहण किया उसके 4.5 महीने, मतलब मैं 4 महीने ही कहूँगा, 4 महीने में ही
कोरोना महामारी आ गई, पर अगर उस चार महीने में देखें उससे पहले, कोरोना महामारी से पहले हमने एक दौरा यहाँ कर लिया था, और विशेष तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा उस टाइम भी हमने यहाँ नोटशीट बना के RCA से भेजी थी कि ये काम जिस अनुरूप होने हैं अगर चालू हो जाते हैं, मगर भारत में ही IPL मैचेस 2020 के नहीं हुए, दुबई शिफ्ट हुए, तो ये जो डिले रहा है 10 महीने का ये कोरोना महामारी के कारण। और उसके बाद भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम निरंतर JDA से और जिला प्रशासन से संपर्क में थे, इस दौरान भी हमने इनसे लगातार पत्राचार भी किया, MOU के ऊपर भी हमने इनको जयपुर भी न्योता दिया, और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि JDA और जिला प्रशासन ने भी जयपुर आके हमसे इस कोरोना महामारी के बाद जब से लॉकडाउन खुला है उसके बाद भी इनकी टेक्निकल टीम हमारे जयपुर में टीम से RCA के पदाधिकारियों से, जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट है मिस्टर तापोस चटर्जी, यहाँ पे 4-5 बार आके दौरा कर चुके हैं जयपुर में, यहाँ के JDA अधिकारियों को हमने बिठा के सारी चीज़ें, जयपुर का किस तरीके से स्टेडियम डेवलप हुआ हुआ है, जयपुर में किस तरीके की सुविधाएं ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, और अब आने वाले समय में भी वहाँ पे भी BCCI हर महीनों में कुछ महीनों में नए नए नॉर्म्स भेजता है, उसको ही अनुरूप हमें जयपुर में ही बदलाव करने रहना पड़ता है, और उसी के अनुरूप हमने इनको अपडेट रखा यहाँ पे कि आप लोग आते रहें और ये चीज़ देखते रहें। तो आने वाले समय में मेरा मानना है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 2012-13 में भी हमारी कोशिश थी, तब भी MOU नहीं हुआ। ये जो फ्लड लाइट्स आप देख रहे हैं मुझे अच्छे से याद है, उस टाइम JDA ने उसका अप्रूवल बहुत बाद में दिया, क्योंकि पहले इंटरनेशनल मैचेस हो सकते थे जहाँ पे डे नाइट फैसिलिटी नहीं है, मगर इन सन 2012-13 में ये कंडीशन आ गई थी कि तभी मैच होंगे उसी स्टेडियम में होंगे जहाँ पे फ्लड लाइट्स होंगी। मुझे आज भी याद है उस वक्त भी एक कमेटी बनाई गई थी, मैं उस कमेटी का सदस्य था, और हमारे आदरणीय डॉक्टर CP जोशी साहब ने, जो उस वक्त RCA के चेयरमैन भी थे, केंद्र में मंत्री भी थे, उन्होंने मुझे राजीव खन्ना जी को यहाँ भेजा था, हमारी मीटिंग हुई थी डिविजनल कमिश्नर साहब के साथ, कलेक्टर साहब के साथ, तब भी हमने कोशिश करी थी कि यहाँ पे MOU हो सके, और मैचेस तब भी कांग्रेस सरकार की मंशा थी कि जोधपुर में मैच हो, और इस बार भी उसी मंशा के साथ ही हम सभी टीम की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने जो उसमें कंडीशंस हैं वो इनको वापस बताई हैं, और अभी फ़िलहाल हमने इनको कहा है कि आप लोग काम, ये स्टेडियम भी टेक्निकल असिस्टेंस है, जो भी आप लोगों को सहयोग चाहिए, चाहे हमारे मिस्टर तपोस चटर्जी हैं, चाहे संधु साहब हैं, इन सब चीज़ों पे हमारा सहयोग पूरा मिलता रहेगा, और मुझे JDA और जिला प्रशासन ने जिस तरीके से बताया है कि हम लोग ये लोग टाइम बाउंड में काम चालू करने के लिए टेंडर फ्लोट करेंगे, और आगे टाइम बाउंड अगर काम चालू हो जाता है, 6 महीने पूरा हो जाता है, तो राजस्थान रॉयल्स ने ये कमिट किया है कि 6 महीने बाद हम यहाँ पे प्रैक्टिस कैंप टीम प्लेयर्स को बुला के यहाँ पे चालू करने की स्थिति में तभी होंगे जब टाइम बाउंड पे काम पूरा करके हमें दे सके। आपको ध्यान है अभी 2 महीने लगभग पहले हम RCA की तरफ से माननीय शांति धारीवाल जी साहब से हमने ऑफिशियल मीटिंग करी थी, हमने उनसे मांग करी थी कि जोधपुर के स्टेडियम को हमें अपग्रेड करना है, उसके लिए हमें फंड्स की आवश्यकता है, और सब भी आप सबको ध्यान है कि जोधपुर के स्टेडियम के लिए, बरकतुल्ला खान स्टेडियम के लिए UDH मंत्रालय ने जयपुर से घोषणा करी थी कि हम 9 करोड़ सैंक्शन करते हैं, मगर अभी जो ये काम चालू हो रहा है, अभी हमें जिला प्रशासन ने बताया ये अपने स्तर पर लगभग 7.5 करोड़ वो कर रहे हैं, उस 9 करोड़ के अलावा खुद JDA अपनी तरफ से ये पैसा भी लगा रहा है, वो 9 करोड़ जब भी इनको ज़रूरत होगी वो 9 करोड़ माननीय मंत्री महोदय ने, राज्य सरकार ने इस चीज़ के लिए अलग से भी कमिट कर दिया है, ओके कर दिया है, पर अगर अभी हमें बताया गया है कि JDA ये काम अपने स्तर पर करना चाह रहा है। सर, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं, तो क्या RCA अपने स्तर पर कोई यहाँ पे डेवलप करने का, ग्राउंड डेवलप करने का कोई प्लान कर रहा है? किसके संबंध में? प्रेमियों को खेलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जोधपुर में इसके अलावा कोई विकल्प नहीं क्रिकेट खेलने का, तो क्या दूसरा कोई नया ग्राउंड RCA अपने स्तर पर कोई तैयार कर रहा है, ऐसा प्लान? नहीं,
हम जो बरकतुल्ला खान स्टेडियम का भी जो रेनोवेशन वर्क और हम इसको अपग्रेड करना चाह रहे हैं, क्रिकेट यहाँ पे पूरे संभाग में एक बहुत बड़ी युवाओं का क्रेज़ है, इस मांग को देखते हुए यहाँ पे जनता की हरदम इच्छा रही कि यहाँ पे मैचेस आए, 20 साल पहले आए थे, आने वाले समय जो दूसरे गेम्स हैं उसके लिए भी हमने चाहे गौशाला मैदान हो चैनपुरा वाला चैनपुरा में और उस तरफ भी हम लोगों ने दूसरे खेल भी हों और चाहे क्रिकेट भी हो उसके लिए वहाँ पे हरदम सुविधा अवेलेबल रही। तो ये पिच का यहाँ पे अभी हमने स्थिति देखी, पहले भी तपोस चटर्जी आके 4-5 बार देख चुके हैं, संधू साहब और हम लोग पहले भी आए थे, पिच यहाँ पे हम लोग प्रपोज कर रहे हैं उसी का टेक्निकल चीज़ हम देख रहे हैं कि 3 पिच हो या 5 पिच हो। राजीव जी तो उसी के अनुरूप हमने तो वो भी अब फाइनल करेंगे, 21 को फाइनल होना है, 3 पिच होगी या 5 पिच होगी वो एक चीज आगे, 3 पिच या 5 पिच री स्टडी कर रहे हैं जयपुर के हिसाब से और वो फाइनल होगी 3 या 5 में से कोई होगी। टेलीकास्ट के लिए चाहिए वो बेसिकली तीन चाहिए इधर बेसिकली, बीसी क्या है कि नॉर्म में ये स्टेडियम सही रूप से मौजूद है, कहीं ना कहीं कुछ खामियां तो होगी इस स्टेडियम में। अरे पूरी तरीके से ही आप मान के चलिए कि 20 साल पहले का स्टेडियम और 20 साल बाद में अपन अप्रूवल लेने जा रहे हैं बीसीसीआई से, रात दिन का अंतर, एक ढांचा खड़ा है आप ये मानिए और बहुत अच्छा खड़ा है नो डाउट, इसका जो लेआउट है, इसका जो एरिना बना है नो डाउट, जो भी लोग जयपुर से भी आए आरसीए के उन्होंने हमेशा, और मैं खुद भी यहाँ पे पहले भी आके गया हूँ 2 बार, नो डाउट यहाँ पे उन सब में बहुत अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, बस उसको हमें रीफर्निश करना है, एक तरह से रीपॉलिश करना है, और ताकि इन 20 साल में जो चेंजेस हुए हैं आप देखिए, चाहे ड्रेसिंग रूम है प्लेयर्स की, उस टाइम के ड्रेसिंग रूम जो यहाँ पे मैंने देखे थे उस टाइम, वो ड्रेसिंग रूम और आज के प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम में बहुत कुछ चीज़ें अब एड ऑन करनी है उसमें, चाहे उस टाइम में केटरिंग फैसिलिटी हो, चाहे हम लोग कॉर्पोरेट बॉक्सेस की बात करें, ये सारी चीज़ें एक अलग वे में अब 20 साल के अंदर सामने आई हैं, बीसीसीआई और लोगों के बहुत मैं कहूँगा कड़े मापदंड हैं और उन्हीं के अनुरूप इसको तैयार करना पड़ेगा, जिसके लिए हमारी कोशिश अब यही है कि हम जल्द से जल्द जो सिविल चीज़ों में टेंडर हमारा फ्लोट ये करेंगे जेडीए वाले, इसको हम पूरा करें। फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे यहाँ सीट्स का जो है, पहले ये था कि आप इस तरह की जो बेंचेस हैं इसमें अलाउ कर दिया जाता था, आप पूरी तरीके से आपको सीटिंग विद नंबर, हर सीट पे नंबर के सहित आपको सीटिंग अरेंजमेंट उनको दिखाना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे आउटर एरिना में हम पार्किंग फैसिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें हैं उनकी, लाइव मीडिया कवरेज के लिए ओबी वैन्स खड़ी होंगी, उसका डिस्टेंस ओबी वैन का जो रहेगा वो स्टेडियम के इतने अनुरूप खड़ा रहे कि उनका लाइव टेलीकास्ट इजीली हो सके, ये सारी चीज़ों को देखते हुए ही एक एजेंसी नहीं, मतलब आईपीएल के लिए तो जैसे राजस्थान रॉयल्स होम ग्राउंड जयपुर राजस्थान है उनका, तो मिस्टर राजीव खन्ना है, हमारे संधू साहब हैं, तो ये सब एक टीम वर्क होते हुए बहुत सारी चीज़ों के अनुरूप हमने ICC की गाइडलाइंस भी वापस के अपडेट हुई हैं, वो भी हम जिला प्रशासन को प्रोवाइड कराएंगे कि ये गाइडलाइंस के अनुरूप आप इसको चेक कर लें, एक बार रीचेक कर लें, ताकि अभी ही उस चीज़ में कोई वापस कमी नहीं आ जाए, क्योंकि अब कुछ कोविड के माहौल में भी कुछ चेंजेस हमने मंगाए हैं BCCI से कि अगर कोविड का साथ इस चीज़ को, गेम को अगर यहाँ पे तो नहीं मगर जयपुर में विशेष तौर पे अगर IPL के 2021 में IPL जयपुर चूज होता है तो क्या गाइडलाइंस हो सकती हैं, इससे कई चेंजेस हरदम होते रहते हैं, उसी के अनुरूप इसको भी अपग्रेड करना पड़ेगा। सर यहाँ पे जैसे अपन डिविजनल कमिश्नर साहब ने मुझे बताया था अभी सुबह हमारी बातचीत हुई कि ये साई वाले को, साई के जो 4 गेम्स हैं जिनका ऑफिशियली उस टाइम अनुबंध हुआ हुआ है यहाँ से, उसको शिफ्ट किया जा रहा है, कर चुके हैं ऑलरेडी, करा जा रहा है। साई ने, साई ने रिक्वेस्ट की है कल हमें और उन्होंने कहा है कि साहब हमें यहाँ से किसी दूसरी जगह पर रिहैबिलिटेट कर दिया जाए, चाहे वो अमृतलाल हो, चाहे वो उमेद हो या गौशाला हो, वो हम जेडीए के साथ मिलकर उसको। Go.